where to go from. बहुत बार कहा हम आई थिंक ऐसी जगह पर है, ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ हमेशा मायने अलग ले लिए जाते हैं, तो कहना पड़ता है कई बार, स्पेशली मेरे जैसी मुंह फट जो हो उसका आपको बार बार क्लियरेंस देनी पड़ती है, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है कि मेरा वो मतलब नहीं था. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के यहाँ पर, हालांकि आई नो द प्ले, बट बहुत खूबसूरत तरह से इसमें मेरा वो मतलब नहीं को बहुत सुंदर तरह से रोमांटिसाइज किया गया है इसमें. क्या अभी मतलब इसको क्या बोल सकती मैं अनुपम जी के लिए, somebody who's आई थिंक अ ग्रेट एंटरटेनर और बहुत कमाल की एक्टिंग करते हैं और स्टेज पर तो आई जस्ट लव हिम. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग दिस प्ले. मुझे लगता है बहुत सारे हमारे बेहतरीन स्टार एक्टर्स जो हैं वो जब थिएटर में आते हैं तो लोगों को एक मिलता है कि हम ये देख के आए कि वो क्या परफॉर्म करते हैं. बिल्कुल अलग माध्यम है, ऑडियंस अलग है, लेकिन जो एन्जॉयमेंट आपको स्टेज पर मिलती है उन लोगों को परफॉर्म करते देखकर और इंस्टेंट रिएक्शंस, उसका जादू एक अलग होता है. तो मैं चाहूँगी और ज़्यादा लोग आएँ और थिएटर को इनकरेज करें. शुक्रिया, थैंक्स. हाँ, बहुत बार एक्चुअली मैंने ये कहा जब मैं और मेरी दोस्त हम ऐसे डिस्कस किया, तो जब उन्होंने बताया कि प्ले का नाम क्या है तो मैं हंस रही थी. वो बोला कि आई फील सो कनेक्टेड टू द नेम, क्योंकि मैं बहुत बार ऐसी बोलती हूँ. मेरा मतलब नहीं, ये नहीं था, क्योंकि बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग होता है ना. ये एक कॉमन चीज़ है एक्चुअली जिंदगी है, जिंदगी में मुझे लगता है. सो हाँ, मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ टू सी द प्ले, एंड मैं देखना चाहती हूँ कि ये प्ले का मतलब क्या है. वेल, मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अनुपम सर का एक्टिंग बहुत पसंद करती हूँ. मुझे लगता है ही इज़ अ फैब एक्टर, एंड यू कैन एज एन एक्ट्रेस यू कैन लर्न सो मच फ्रॉम हिम. सो जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू सी हिज प्ले. जी, मैंने एक्चुअली थिएटर किया व्हेन आई वाज यंगर स्वीडन में, और एक्चुअली आई एम मिसिंग इट अ लॉट क्योंकि थिएटर एंड एक्टिंग इन मूवीज बहुत अलग है. इन थिएटर इट्स सो रियल, एंड इन एवरी प्ले यू डू समथिंग न्यू कम्स आउट. हर बार कुछ मतलब सब प्ले यूनिक है. सो इट्स अ लॉट ऑफ फन एक्चुअली. सॉरी जी. वेल, उनकी एक्टिंग के बारे में, शी इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग एक्ट्रेस, एंड ऑल्सो इट्स अ इंस्पिरेशन टू वॉच दीज एक्टर्स. यू नो, यू लर्न सो मच फ्रॉम देम. सो या, एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू सी दैट प्ले. कुछ ऑफर मुझे नहीं मिला, लेकिन एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट है. And I have been thinking about it because it is a lot of fun to do theater acting actually. So, dekhte hain shayad kuch aisa play aayega jo
मैं ऐसी फील करूंगी कि हाँ मैं ये करना चाहती हूँ. सो शायद थैंक यू. हैप्पी वुमेन्स डे नहीं बोलेंगे क्या? हाँ वेरी बैड यार. क्या सॉरी? अच्छा हाँ यस हैप्पी वुमेन्स डे. आई वुड लाइक टू से टू ऑल द वुमेन अराउंड द वर्ल्ड दैट जस्ट कंटिन्यू टू बी स्ट्रांग एंड लिसन टू योर हार्ट एंड डू वट एवर योर हार्ट सेज दैट इट वांट्स टू डू. तो ऐसा लग रहा है कोई ओबामा साहब स्पीच देने के लिए खड़े हो गए. जी पूछिए. जैसा देखा हम दोनों ने एक प्ले किया था जूही और मैंने, जो नादरा जी ने, जूही की मदर ने डायरेक्ट किया था. उस प्ले में एक लाइन थी कि हमें जिंदगी में कोई ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए जिसमें कुछ वो मतलब निकलने वाली बात हो. सो वी शुड टॉक स्ट्रेट. सो ये वाली सिचुएशन लाइफ में कभी आए ना, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस प्ले कि यहाँ क्या गड़बड़ हुई है कि मेरा वो मतलब नहीं था. ये तो होता ही रहता है यार, रेगुलर होता रहता है. अभी देखिए जैसे मैं कोई सड़क पे चलती किसी दूसरी लड़की को देख रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि भाई अरे, तो मैं कहता हूँ नहीं नहीं मैं शायद उसे जानता हूँ, मेरा वैसा मतलब नहीं था, मैं तो ऐसे देख रहा था कि शायद मैं उसे जानता हूँ या पहले में. नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बोलती नहीं हूँ, मेरा मतलब होता है जब मैं बोलती हूँ. यार हम मतलब मैं उसी स्कूल को बिलोंग करता हूँ जिस स्कूल से अनुपम खेर साहब हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मेरे बहुत सीनियर हैं, और जिस स्कूल ऑफ एक्टिंग से वो आए हैं उसी स्कूल ऑफ एक्टिंग से मैं भी आया हूँ. तो मुझे पता है कि जो देखने को मिलेगा वो बेहतरीन ही होगा और वो बेहतरीन ही देखने हम आए हैं. अरे मैं बहुत प्लेस करता रहता हूँ यार. अभी अगर प्ले करना चाहेंगे तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा, कुछ बताना चाहेंगे? आई थिंक अगर आप बहुत मोस्ट प्रॉब्ली बहुत जल्द आपको एक खबर सुनने को मिलेगी. मैं और जूही एक प्ले कर रहे हैं. जूही तो खैर थिएटर से इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है मुझसे ज्यादा, लेकिन बहुत जल्द हम दोनों एक प्ले करने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपको सून पता चलेगा. बट जो भी होगा कंटेम्प्रेरी होगा, मॉडर्न, जिससे आप रिलेट कर पाएंगे, ऐसी कहानी जिसको आम आदमी रिलेट कर पाएगा कि हाँ ये तो मेरी जिंदगी में भी होता ही रहता है. थैंक यू. आप थिएटर के बारे में ये ज्यादा बोल सकती हैं मुझसे. बहुत हो गया, देखेंगे.